टूल प्लाजा के स्टेट्स वाले नैशनल जो सड़कों ने उन्होंने टूल प्लाजे कई जगह से रेट डेढ़े किए गए हैं। जब तक साड़ी अगली मीटिंग नहीं होंगी, अगली मीटिंग तक फैसला लवेंगे, जब तक अपने नैशनल अथॉरिटी स्टेट रोड अथॉरिटियां अपना रेट रिवाइव करके सही कर पंजाब के सारे टूलों के किसान बैठे, कोई टूल प्लाजा है नहीं जो ओपन हो। संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला नहीं है, 32 जथेबंदी ने फैसला लिता किसानी अंदोलन की जित तो बाद किसानां दे वल्लों 15 दसंबर नूं टोल प्लाजियां तो भी धरने चुकन दा ऐलान किया गया सी, जिस नूं लै के लुधियाणा दे लाडोवाल टोल प्लाजा ते सुखमनी साहिब दा पाठ भी करवाया गया, पर उग्राहां जथेबंदी दे ऐलान तो बाद हुण 32 जथेबंदियां ने भी ऐलान कर दिता है कि अगले निर्देशों तक टोल प्लाजा तो धरने नहीं चुके जाएंगे। इस संबंधी किसान आगू हरमीत सिंह कादिया ने पत्रकारों के नाल गलबात करते हुए कहा कि किसानी अंदोलन जितने तो बाद 15 दसंबर को टोल प्लाजे तो धरने चुकन का ऐलान तो किया गया सी, पर टोल प्लाजा मैनेजमेंट के वलों कई जगह पर डेढ़ गुणा रेट वधा दिए गए हैं, जिसनों वेखते अजे टोल प्लाजे खाली नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा मैनेजमेंट को 24 घंटे का समा दिता जा रहा है ता जो वधाए रेट वापस लैन। होर की कुछ क्या उन्होंने, आओ जरा सुन लेने। तरीक में सारे टोल प्लाजा चके जाएंगे, अपना संघर्ष साडा पूरा हो गया, समाप्त हो गया, अज उहदी फतेह मार्च भी हो गई है, तो अज टोल प्लाजा के फैसले किए गए थे, पर कल जी खबर चल रही है भी टोल प्लाजा के स्टेट्स वाले नैशनल जो सड़कों ने उन्होंने टोल प्लाजे कई जगह पर रेट डेढ़े किए गए हैं। रेट्स हर बारी रिवाइव होंगे, यही जी गल नहीं भी रिवाइव नहीं होंगे, साल बार रिवाइव होंगे, चलो साल सवा साल सानू हो गया, 100 रुपए वाला 102 या 4-5 हो सकता भी रिवाइव होकर रेट हो जाए, पर डेढ़े करने जान के ये आपका मगले पैसे पूरे करने या कोई होर रीजन लैके ये कर रहे हैं, इन्हों दोबारा फैसला लेना चाहिए। असी यह एक दिन का टाइम दें भी जब तक साड़ी अगली मीटिंग नहीं होंगी, अगली मीटिंग तक फैसला लवेंगे, जब तक अपने नैशनल अथॉरिटी स्टेट रोड अथॉरिटियां अपना रेट रिवाइव करके सही कर, क्योंकि ये डेढ़ा किया रिवाइव है, बर्दाश्त नहीं किया जाऊगा, उस तो बाद अगले फैसले तक ये जो टूल प्लाजा ने बंद रहेंगे। पंजाब के सारे टूलों के किसान बैठे, कोई टूल प्लाजा है नहीं जो ओपन हो, संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला नहीं है, 32 जथेबंदी ने फैसला लिता, संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला 15 तरीक को खोलन का सी, कल की जी हालात चेंज हुए ने भी रेट्स बढ़े ने, वो उत्ते इंस्ट्रक्शन ने भी अगले फैसले तक घट्टो घट अगले फैसले तक जोड़ा भी फैसला लेना होगा 32 जथेबंदियां बैठ के लैनगे, जब तक कि टोल प्लाजा बंद रहने। टोल प्लाजा बिल्कुल वो डटे रहेंगे, क्योंकि वो लड़ाई कली आप जी लड़ते जाते तो अंदोलन की लड़ाई लड़ते, कल साड़ी जी होर अपने लोग ने इतों निकल के डेढ़े पैसे थोड़ी देकर निकल गए। अक्रॉस द स्टेट का फैसला घट्टो घट मिनीम आप कर सकते हो किया। उधर इस मौके टोल प्लाजा के मैनेजर ने कहा कि किसान यूनियन के वलों टोल प्लाजा खाली ना करन दा ऐलान किया गया, पर फिर भी उन्होंने वलों किसान आगुओं के नाल गलबात की जा रही है। मेरा नाम रविंदर है, मैं यहाँ पे टोल मैनेजर हूँ, और जो भी फैसला लिया गया, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 तारीख को सारे मोर्चे खत्म कर दिए जाएंगे, जो कि अभी तक नहीं हुए हैं, नहीं है तो ये अभी इनसे बात करेंगे, जैसा ये फैसला है इनका कि अभी नहीं बंद होगा, अभी बंद रहेंगे, वो भी इनसे बात करते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। अच्छा, जैसे ही मुलाजमों की पार्टी भी सारे इंतजाम पूरे कर लिए थे, सारे इंतजाम कर लिए गए थे, एम्प्लॉय से भर्ती कर लिए गए थे, अभी भी एम्प्लॉय भर्ती किए गए हैं, वो सब अपने पास में, अभी टोल प्लाजा के ऊपर जो उनका आया है उसके ऊपर हम बात करेंगे, किसानों से बात करेंगे चालू करने के लिए। ये आदेश जो है, ये आदेश तो आज भी किसानों की तरफ से भी 15 तारीख को धरने सारे मोर्चे खत्म कर दिए जाएंगे, उसके बाद टोल प्लाजा चारों रूट तक चालू कर दिए जाएंगे, बट अभी यहाँ पे अचानक से ये आया कि अभी चालू, अभी जो है धरने चालू रहेंगे, अभी हम इसको बात करेंगे। ट्रैफिक के अकॉर्डिंग अभी जैसे कि
आप सभी जानते हैं कि टोल प्लाजा फ्री चल रहे थे, टोल प्लाजा फ्री चल रहे तो अभी कुछ आइडिया ऐसा लगाया नहीं जा सकता कि कितना नुकसान है। टोल प्लाजा चलते होते तो बता सकते हैं, जैसे कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा रेट बढ़ाए गए हैं बहुत जगह पे, काफी ज्यादा रेट नहीं बढ़ाए गए हैं, रेट क्या होते हैं हर साल रिवाइज होते हैं, आप सभी जानते हैं कि टोल के रेट हर साल रिवाइज होते हैं, वही टोल रिवाइज हुआ है और उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, 5-5 रुपए इसमें बढ़ाए गए हैं। मतलब किसान जथेबंदियों ने गलबात की जाए कि कोशिश की जाए कि जी बिल्कुल तो बात की जाएगी। जदों किसानी अंदोलन शुरू होया सी तां जिथे किसानां दे वल्लों दिल्ली बार्डरां ते धरने लाए गए सन तां उत्थे ही पंजाब दे टोल प्लाज़ियां ते वी धरने लाए गए सन, तां हुण किसानी अंदोलन दी जित तों बाद किसानां दे वल्लों धरने चुकन दा ऐलान कीता गया सी, पर इस तों बाद टोल प्लाज़ा मैनेजमेंट दे वल्लों रेट वधा दित्ते गए सन, इस करके हुण किसान जथेबंदियां दे वल्लों ऐलान किया गया है कि जिन्ना समा रेट कट नहीं किए जाते उन्ना समा वह टोल प्लाज़ा तो धरने नहीं चुकणगे। लुधियाणा तो राजविंदर सिंह की रिपोर्ट।